वीडियो सेशन में हम बात करेंगे शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों के बारे में। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत जो हैं टोटल 12 हैं। इन सभी सिद्धांतों के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत अथवा करके सीखने का सिद्धांत। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। क्रियाशीलता का अर्थ है कि बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से जो है क्रियाशील रखना है। बालक जितना ही क्रियाशील रहेगा शिक्षण उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा, उतना ही अच्छा रहेगा। बच्चे को शारीरिक रूप से क्रियाशील रखने का अर्थ है कि विद्यार्थियों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशीलता प्रदान करना तथा उनकी मानसिक क्रियाशीलता को प्रदान जो है उन्हें मानसिक रूप से क्रियाशील बनाए रखना। जब बालक की ज्ञानेंद्रियाँ क्रियाशील होंगी तो बालक मानसिक रूप से क्रियाशील होगा। जब मानसिक रूप से क्रियाशील होगा तो बालक शारीरिक रूप से भी क्रियाशील होगा। विद्यार्थियों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील रखना, विद्यार्थियों की जो मूल प्रवृत्ति हैं तथा जो इंद्रियां हैं उनका हम जितना अधिक प्रयोग करेंगे बालक उतना ही अधिक जो है क्रियाशील रहेगा और शिक्षण जो है हमारा उतना ही अधिक प्रभावशाली होता जाएगा। मूल प्रवृत्तियों और इंद्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। जब बच्चे को जब प्रारंभिक अवस्था में पढ़ाया जाता है तो उसकी मूल प्रवृत्तियों का प्रयोग किया जाता है और उसकी इंद्रियों का जितना अधिक हम प्रयोग करेंगे बालक उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत बताता है कि बालक को जब भी शिक्षण किया जाए तो उसको क्रियाशील रखा जाए, यानी उसको कार्य करने को दिया जाए और उसे करके सीखने पर जोर दिया जाए। यानी जब बालक स्वयं करके सीखेगा तो वो अधिक क्रियाशील भी होगा और उसे जो वो सीखेगा वो उसे अच्छे से समझ में भी आएगा, इससे बालक क्रियाशील बना रहेगा। दूसरा सिद्धांत है हमारा प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत हमें यह बताता है कि बालकों में पाठ के प्रति जो है रुचि उत्पन्न करना। बालक को इसके लिए उसके आस पड़ोस की हमें वस्तुएं दिखानी चाहिए प्रेरणा बनाए रखने के लिए। प्रेरणा जो है दो प्रकार की होती है, एक तो नकारात्मक प्रेरणा और एक सकारात्मक प्रेरणा। बालक को दो प्रकार से प्रेरणा दी जा सकती है, एक तो शाबाशी देकर और एक दंड देकर। शाबाशी जो है यह सकारात्मक प्रेरणा है और दंड जो है नकारात्मक प्रेरणा है। जब कोई बालक अच्छा कार्य करे तो उसे शाबाशी देना चाहिए और ऐसा कार्य जो बालक को नहीं करना चाहिए तो उस काम के लिए उसे दंड भी दिया जाना चाहिए, इसे नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। तीसरा है हमारा रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत यह बताता है कि शिक्षण को जो है रुचिपूर्ण बनाने के लिए जो है बालक को पाठ में रुचि उत्पन्न करना चाहिए, यानी शिक्षक जो है उसे पाठ में रुचि उत्पन्न करना चाहिए ताकि बालक जो है पाठ में रुचि ले सके और इंटरेस्ट लेकर पढ़े। जब तक शिक्षण में रुचि नहीं होगी बालक की तब तक वो शिक्षण सफल नहीं हो सकता है। तो शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में रुचि का उत्पन्न करना अत्यंत आवश्यक है। चौथा है जीवन में संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। पाठ्यक्रम या जो भी पढ़ाया जा रहा है वो ऐसा होना चाहिए जो कि बालक के जीवन से संबंध रखने वाला हो, यानी बालक उस पाठ को अपने सामान्य जीवन में उसका प्रयोग कर सके। तो ऐसा शिक्षण हो जो कि बालक के जीवन से संबंध स्थापित करने वाला हो, तभी जाके शिक्षण सफल होगा और वो अच्छे से बच्चे को समझ में भी आएगा। तो जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत हमें यह ही बताता है कि शिक्षण जो है वो बच्चे से जीवन में उसके संबंध स्थापित करे, उसके जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। पांचवा है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। यानी बच्चे को जो भी पढ़ाया सिखाया जा रहा है या जो भी शिक्षण किया जा रहा है उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। किस उद्देश्य से वह पढ़ाया जा रहा है तो यह उद्देश्य भी निर्धारित होना चाहिए। छठा है हमारा चयन का सिद्धांत। जो भी पाठ्यक्रम चयन किया जाए या जो भी कक्षा में पढ़ाने के लिए जो भी विषय वस्तु चयन की जाए वह बालक की क्षमता एवं योग्यता के अनुसार ही महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करके और उसे प्रदान करना चाहिए। यानी जो उसके लिए महत्वपूर्ण हो या उसकी क्षमता एवं दक्षता के योग्य हो वही चीज़ें पढ़ानी चाहिए, फालतू की चीज़ें कक्षा शिक्षण में नहीं पढ़ानी चाहिए। तो चयन का सिद्धांत यह बताता है कि शिक्षण में बहुत ही अच्छी तरीके से हमें जो है पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए, यानी जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसका बहुत ही अच्छे ढंग से हमें जो है चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत यह बताता है कि क्रमबद्ध तरीके से पाठ्य सामग्री का निर्माण करना चाहिए। यानी जो भी हम पाठ्य वस्तु का निर्माण कर रहे हैं विषय वस्तु को जो पढ़ाने के लिए उसे क्रमबद्ध यानी अच्छे ढंग से उसे तैयार करना चाहिए। पर यह जो है पाठ योजना के बारे में बात करता है नियोजन का सिद्धांत। आठवां है हमारा वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक बालक जो है
उसके अनुसार उसकी योग्यताएं, रुचियां और अभिव्यक्तियां जो हैं प्रत्येक बच्चे की भिन्न भिन्न होती हैं। तो हमें अपने शिक्षण में वैयक्तिक भिन्नता को भी ध्यान में रखना चाहिए। नवा है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। प्रत्येक बच्चे को अधिकार होना चाहिए कि वह कक्षा में पूछ सके या जो भी बातचीत करना चाहे अध्यापक से बातचीत कर सके। प्रत्येक बच्चे को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत हमें यह बताता है कि हमें जो है पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए ताकि उसमें पढ़ाने में भी आसानी रहेगी और बच्चों को उसे समझने में भी आसानी रहेगी। ग्यारहवां है हमारा आवृत्ति का सिद्धांत। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विद्यार्थियों को जो भी पाठ्य सामग्री पढ़ाई जाए विद्यार्थियों से बार बार उसे दोहरवाया जाए। इससे जो है सीखने में आवृत्ति जो है अत्यंत आवश्यक होती है। पाठ जितना कठिन हो उसे उतना ही अधिक जो है दोहरवाना चाहिए यानी दोहराना चाहिए। जैसे कि गृह कार्य देकर, मासिक परीक्षाएं लेकर और रीडिंग कराकर, इस तरह से हम उस पाठ को काफ़ी ज़्यादा बार दोहरवा सकते हैं। इसी को आवृत्ति का सिद्धांत कहा जाता है। बारहवां हमारा निर्माण तथा मनोरंजन का सिद्धांत। कक्षा शिक्षण में जो है बीच बीच में जो है बच्चे का मनोरंजन भी करते रहना चाहिए यानी उसे मनोरंजन के लिए विभिन्न खेल खिलाने चाहिए, मनोरंजन के जो भी साधन हो तो बीच बीच में जो है कक्षा के तो उसे मनोरंजन भी करते रहना चाहिए यानी उसका मनोरंजन कराते रहना चाहिए। या निर्माण या कुछ उसे जो है बनवाना चाहिए या निर्माण करवाना चाहिए, छोटे छोटे चीज़ें जो भी आर्ट क्राफ्ट इत्यादि चीज़ें जो है निर्माण कराना चाहिए या मनोरंजन के साधन जो भी हों तो बच्चे का मनोरंजन भी उन साधनों के माध्यम से करना चाहिए। तो ये थे हमारे शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। अगले वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे शिक्षण के जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में।